नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, मिर्च, हरी मिर्च खाने के फायदे। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को मिर्च खाना पसंद होता है, तो बहुत सारे लोग इससे परहेज करते हैं। मैं अगर खुद की ही बात करूँ तो पहले मैं मिर्च खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, चाहे हरी हो, लाल हो, कोई भी मिर्च हो, तीखे से मुझे बेहद एलर्जी थी। लेकिन अब हरी मिर्च खाते हैं हम दोस्तों, तो आइए आज हम हरी मिर्च खाने के कुछ एक ऐसे फ़ायदों के बारे में जानते हैं, जिसे जानने के बाद शायद, या यूं कहें कि विश्वासपूर्ण ढंग से हम कह सकते हैं कि आप भी ज़रूर खाना पसंद करेंगे दोस्तों। सबसे पहला, घटता है मोटापा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो मोटापा घटता है आपका। दूसरा, कैंसर से रोकथाम। जी हाँ दोस्तों, कैंसर से बचाव हो सकता है अगर आप हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। एक नारंगी यानी कि एक संतरा आप खाते हैं उसके बराबर विटामिन सी की मात्रा होती है एक हरी मिर्च में दोस्तों। और ये सभी जानते हैं कि अगर हम विटामिन सी का सेवन करते हैं दोस्तों तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स बिल्कुल कम होंगी दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है कि रोग हमसे दूर रहेंगे। नंबर थर्ड दोस्तों, मलेरिया में फ़ायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मलेरिया बुखार हो रहा है तो ये कारगर औषधि के रूप में काम करती है दोस्तों। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा आपको, इस पे ध्यान दीजिए। आपको उस कंडीशन में मिर्च खानी नहीं है। क्या करना है, मिर्च के यानी कि हरी मिर्च के बीज को निकाल लेना है आपको और उसे अंगूठे में 2 घंटे तक बंधे रहने दीजिए। ऐसा 2-4 बार आप करेंगे तो आपका मलेरिया बुखार चला जाएगा दोस्तों। हाँ, एक बात का ख्याल रखना चाहिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ होता है कि मलेरिया बुखार चला जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको मलेरिया बुखार है, आपने 1-2-4 बार बांधा और कंट्रोल ना हो पाए मे बी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए दोस्तों और डॉक्टरी परामर्श के अकॉर्डिंग दवाएं लेनी चाहिए, क्योंकि मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने आज हम हरी मिर्च खाने के फायदों के बारे में जानकारियां लेकर के आप सभी से आज हम जुड़े दोस्तों। तो अगली बार ऐसे ही हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।